मरिया है। मैं कक्षा 2 में पढ़ती हूँ। आज मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसका नाम है पेड़ की सच्ची दोस्ती। एक आम का पेड़ होता है, तभी एक लड़का वहाँ खेलते खेलते आ जाता है। उस लड़की को बहुत तेज भूख लग रही होती है, तो आम का पेड़ अपना एक आम उस लड़की को दे देता है। वह लड़का बहुत खुश हो जाता है और वो दोनों दोस्त बन जाते हैं। जैसे जैसे वक्त बीतता जाता है, वो उस पेड़ के पास आना बंद कर देता है। यह बात सोचकर पेड़ बहुत दुखी हो जाता है। वो एक दिन आता है, बोलता है कि पेड़ दोस्त, मेरे को नए खिलौने चाहिए पर मेरे पास पैसे ही नहीं, तो मैं मेरी मदद करनी होगी। तो पेड़ दोस्त कहता है कि दोस्त, तुम मेरे सारे आम बेच दो और उनसे नए खिलौने खरीद लो। तो वो उसके आम ले जाता है और सामान और बेचने चला जाता है। फिर वो बेचारा पेड़ बहुत दुखी हो जाता है। फिर वो एक दिन वापस से आता है, बोलता है कि पेड़ दोस्त, मेरी शादी हो गई है, अब मुझे घर चाहिए पर मेरे पास पैसे नहीं है, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। तो पेड़ कहते कि दोस्त, तुम मेरी सारी लकड़ियां काट लो और उनसे एक नया घर बना लो। तो वो उसकी लकड़ियां ले जाता और घर बना लेता है। फिर वो बूढ़ा होकर आता है, बोलता है कि पेड़ दोस्त, अब मैं थक गया, मुझे आराम करना है। तो पेड़ कहता है कि इधर आओ दोस्त, मेरे ऊपर ले जाओ। फिर दोनों बहुत बातें करते हैं, पुरानी बातों को याद करते हैं और उन दोनों की आंखों में आंसू आ जाता है। इसलिए पेड़ हमारे माता पिता की तरह होते हैं। वो हमारी हर जरूरत पूरी करते हैं पर हम अपने मतलब के लिए उन्हें काट देते हैं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें जरूरत से ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए। पेड़ हमारे दोस्त होते हैं।